नीमच जिले में हो रही लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते किसानों की खेत में खड़ी फसलें उड़द, मक्का, सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं खड़ी फसल में ही बीज अंकुरण होने लगा है। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले साल सोयाबीन 5 से 7 बोरी बीघे के मान से सोयाबीन हुई है, पर इस साल जो खेत में बीज बोया है उसकी लागत ही निकल जाए तो किस्मत की बात है। फसलों में हुए भारी नुकसान के चलते किसान काफी चिंतित है। किसानों का कहना है कि खराब हुई फसलों का आकलन कर किसानों को राहत प्रदान करें। वहीं कई जगह किसानों की फसलों का सर्वे नहीं हुआ है, जिससे भी किसान चिंतित हैं और ना ही कोई बीमा कंपनी सर्वे हेतु किसानों के पास पहुंची है। किसानों का कहना है कि जो घोषणा कमलनाथ सरकार ने की है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवा कर फसलों का जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए, नहीं तो किसानों को सड़क पर उतरने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। अभी जो प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कमलनाथ जी आए हैं, जिन्होंने जो घोषणा करी है 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा बोलेगा, लेकिन अभी जो मेरे अधिकारियों से बात हुई और मैंने जो जानकारी निकाली उसके ऊपर सिर्फ 13,600 रुपये 2 एकड़ से ऊपर की जमीन है वो मनासा और रामपुरा में मुआवजा दिया जाएगा और 2 एकड़ से कम है उनको 16,000 रुपये। नीमच और जावत को इन्होंने 50% से कम बनाया, जिनमें 8,000 ही डालेंगे और ये प्रावधान नीमच और अपने मंसूर में भी यही रहेगा। अभी तक ऐसा कोई इनके ऊपर ऐसा अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रावधान ऐसा आया नहीं कि ये जो 20,000 का मुआवजा डाले। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी घोषणा सिर्फ घोषणा ही नहीं रहे और 30,000 रुपये मुआवजा जो है किसानों को डाला जाए, क्योंकि 100% फसल खराब हो चुकी है। यहाँ पे भी 30% होने की संभावना थी, वो अब इस बारिश से वो भी नहीं हुई है। खेतों में खड़े खड़े फसल सड़ गई है, उग गई है और इसको किसान निकाल भी नहीं पा रहा है। निकालेगा तो मुश्किल से उसका जो बीज का पैसा है वो भी नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए कमलनाथ सरकार को जो अपना वादा किया, जो घोषणा करी है, उस पर जल्द अमल करके 15 अक्टूबर जो इन्होंने बोला है 15 अक्टूबर से पहले अगर ये राशि डालेंगे तो किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ जी, का शासन से तो उम्मीद लगाई रखी है, लेकिन अभी तक ये उम्मीद किसानों की उम्मीद पर अभी तक सरकार नहीं खरी उतरी है। सोयाबीन एक तो उसका समय भी हो चुका है, लेकिन पानी अभी तक बंद नहीं हो रहा है और सोयाबीन अंदर ही अंदर अब उगने लगी है। एक तरफ कंगाली की कगार पे वास्तविक में सरकार से यही मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए। लगभग 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। नुकसान हो गया है ना, अभी कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं आया है और मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द राहत दिलाए और किसानों को मतलब इन्हें आगे बढ़ाए, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे ना, उग्र आंदोलन में फिर सरकार को दिक्कत आएगी, इसलिए पहले ही वो किसानों को मुआवजा दे। मनासा से रमेश राठौर की रिपोर्ट।